नमस्कार दोस्तों, दिवाली के महापर्व के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो श्री कृष्ण आपका हर दुख दर्द दूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की सेवा जरूर करें। इस दिन गाय के माथे पर तिलक लगाकर उनकी पूजा करें और अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपको जीवन में तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। तो वहीं गोवर्धन पूजा के दिन दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं, तो फिर उसमें गंगा जल और तुलसी मिलाकर शंख में भरकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 5 माला जाप करें। फिर पूजा पाठ और मंत्र जाप के बाद पंचामृत घर के सभी सदस्य ग्रहण करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जैसा कि सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूरे महीने में तुलसी के पौधे का पूजन और दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे में यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से तुलसी का पूजन करती हैं तो आपके जीवन में हर परेशानी दूर हो जाती है। वैसे तो नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी में जल चढ़ाएंगी तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है। आगे आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि आपको गोवर्धन के दिन गोबर के पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ये पर्वत गाय के गोबर का ही बना होना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन गाय का गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं और उसके पास दीपक जलाकर भगवान कृष्ण से घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। इससे आपके घर में खुशियों का आगमन होना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी गोवर्धन पूजा के दिन ये सभी काम अवश्य करें और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद पाएं। कुंडली टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।